आपको क्या डिफरेंस लगता है एक उस टाइम पे 30 साल पहले जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जैसे आप एक टाइम पे स्टूडेंट थे, और आज के जेनरेशन के जो स्टूडेंट हैं, आप में कुछ खास डिफरेंस समझ आता है उनमें? बहुत, आई थिंक हर 5 या 6 साल बाद, मतलब 5-6 साल तक मेरे को लगता है एक पैटर्न रहता है जी। उसके 6 साल के बाद सडनली जो एक स्टूडेंट का ग्रुप आता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जी। उसकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है, सोचने समझने का ढंग अलग होता है जी। तो मैं अगर अपने टाइम से रिलेट करूँ तो हम बिल्कुल आर्मी की तरह चलते थे कि बॉस ने बोल दिया जंप तो हम सिर्फ पूछते थे हाउ हाई जी, हमारा और कोई क्वेश्चन नहीं होता था जी। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एनालिसिस करना है हर चीज का। सो इफ यू आस्क देम जंप, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, व्हाई डू आई हैव टू जंप, व्हाट विल आई गेट इफ आई जंप जी, इज देयर अ बेटर वे ऑफ जंपिंग राइट। सो नाउ इट इज दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर थिंग्स। हमारे में आई थिंक हमारी अवेयरनेस कम थी जी। हम एक मतलब एक शेल में काम करते थे जी। हमारे पास लिमिटेड होटल्स थे, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि चलो मैं 3 साल यहाँ काम करके छोड़ के दूसरी जगह चले जाऊंगा, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जी। टुडे आई थिंक द स्टूडेंट्स हैव लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज जी, एंड पीपल आर गोइंग इन टू वेरियस फील्ड्स। और आजकल एज अ शेफ फील्ड जी, मतलब हमारे टाइम में होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट करके अगर आप शेफ बनना चाहते तो एक फील्ड थी कि आप होटल 5-star होटल में जाके शेफ बन रहे हैं जी। बट आज टुडे आप होटल मैनेजमेंट करके अगर आप शेफ फील्ड में जाना चाहते हैं तो यू हैव मोर देन 15 options जी इन फ्रंट ऑफ यू। होटल में जाके शेफ बनना एक ऑप्शन है, स्टैंड लोन रेस्टोरेंट में शेफ बनना एक ऑप्शन है जी, गवर्नमेंट एसोसिएशन में जाके फूड ऑडिटर बनना एक ऑप्शन है जी, प्राइवेट शेफ बनना एक ऑप्शन है, सेलिब्रिटीज का शेफ बनना एक ऑप्शन है जी। टुडे मेनी सेलिब्रिटीज हॉलीवुड बॉलीवुड आर हायरिंग शेफ्स जी, बिल्कुल, बिकॉज उनके अपने डाइटिशियंस हैं जो प्लान बताते हैं उनको वो खाना खाना है, तो दे आर हायरिंग यंग शेफ्स हु ट्रैवल विद देम राइट। सो दैट इज अनदर वेरी लुक्रेटिव थिंग फॉर द शेफ्स, कि आई एम अ पर्सनल शेफ ऑफ सलमान खान जी फॉर एग्जाम्पल, यू नो, और ऑफ कैटरीना कैफ, जहां भी मिस कैटरीना कैफ जा रही हैं उनके साथ शूटिंग पे जा रहे हैं उनका वही खाना बन रहा है जी। सो दैट्स अनदर फील्ड दैट्स हैपनिंग। एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर, सो दे आर स्टडिंग अबाउट फूड, दे आर स्टडिंग अबाउट वर्किंग विद साइंटिस्ट। तो जो भी आज डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट निकालती हैं जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर या नेचर आर्टिकल फ्लेवर जा रहा है जी, तो वो शेफ्स खाना बनाते हैं और उसको साइंटिस्ट जो है उसको पाउडर फॉर्म में बना के फ्लेवर्स बना के एक यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल, सो दैट इज वेयर शेफ्स आर इन्वॉल्व। तो आजकल शेफ प्रोफेशन इज बिकमिंग वेरी डाइवर्स, तो स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हैव सो मेनी चॉइसेस राइट, सो दे वॉन्ट टू नो कि हाँ इफ आई एम कमिंग इन हियर आई विल नॉट स्पेंड 16-17 hours वर्किंग एवरी डे। जो हमारे टाइम में थॉट होता था कि भाई 18-19 घंटे आप काम सीखो जी, अपने आप को बढ़ाओ, दिस जनरेशन इज नॉट अबाउट दैट, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में ज्यादा, दे नीड वर्क लाइफ बैलेंस जी, एंड विच इज ट्रू, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट टोटली। सो आई थिंक दैट इज वेयर वी सी द डिफरेंस, एंड आई थिंक जो young manager and young chef hai, they don't find it very odd. Right. But I think the problem is, I think with our generation, क्योंकि हम ऐसे सीखे हुए हैं, तो हम इनको भी देखते हैं ऐसे कि इनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन I think अब हमें ये समझना चाहिए कि जो मेरे लिए उस टाइम अच्छा था वो आज इस यंगस्टर के लिए नहीं अच्छा। सही बात, बिल्कुल। आपको now today everybody is focused on work, कि मेरा काम हो जाना चाहिए, efficiency of work. As long as you are working efficiently, आप बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट करो, लेट पीपल गो होम इन 9 hours, लेट देम हैव अ लाइफ, लेट देम डू अदर थिंग्स इन लाइफ, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे टाइम में, जैसे मेरे को याद है कि अगर मैं सुबह 7 बजे आके शाम को 7 बजे भी 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी शेफ को कहता था कि शेफ मैं घर जाऊं, तो वो अपनी घड़ी देख के बोलता था क्यों आज हाफ डे, क्योंकि बाहर सूरज होता था जी जी। तो ये हमारे टाइम में जरूरी होता था कि आप अंधेरे में होटल आ रहे हैं और अंधेरे में ही घर जा रहे हैं जी। बट आई थिंक दोस थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम हैप्पी दैट सर। मैं तो ये मानता हूँ कि जो घड़ी देख कर काम नहीं करते जी, वो आगे जाके सक्सेस पाना उनके लिए आसान होता है। अगर आप घड़ी देख कर काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। और सर मैं ये भी मानता हूँ कि उस जनरेशन में जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई थी जी, और अब जो अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें भी बहुत फर्क है, बहुत हर चीज में बदलाव आ चुका जी, है, बहुत फर्क है।